बात दूंगा, क्योंकि ये भी लगन के साथ अधिकारी भी काम कर रहे हैं, जो बचा हुआ काम है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, आपके जो सुझाव आएंगे उस पर भी हम काम करके उसको रेलवे का विकास अधिक से अधिक होगा। एक पॉइंट, क्या परिचय हो सकते हैं? मेरा नाम गुरविंदर सिंह सेठी है, मैं झारखंड बिहार आता हूँ, झारखंड से। सेठी साहब, सबसे बड़ी मूलभूत जो सुविधाएं यहाँ के जो लोगों का लोकल ट्रेन था वो समय पर चलता था, लेकिन अभी उसकी जो है बंदी से जो है लोग यहाँ परेशान है। देखिए, ये तो आपको मालूम है कि कोरोना पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था को बैठा दिया। कोरोना में तो आप और अभी बोलना चाहूँ पिछले बार भी कि प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि इस कोरोना को काबू में पाए, इतने जल्दी वैक्सीनेशन का उत्पादन करके कोरोना को पाए, और कोरोना काल में रेल का चक्का बंद रहा, लेकिन कुछ कुछ ट्रेनें चली थी, लेकिन कल से जो आपको जो फेयर है टैक्स पे वो भी हट गया, स्पेशल फेयर भी हट गया है, और अभी नॉर्मल ट्रेन में आ जा रहा है, फुटफॉल हमारा बढ़ रहा है, डेली पैसेंजर का फुटफॉल बढ़ रहा है, तो आगे जो बची हुई ट्रेन है हम संभवतः आप लोग के तीसरी लहर नहीं आए तो ये बाकी बची हुई ट्रेनें भी हम लोग दिसंबर तक चालू करवा देंगे, और फिर उसके आगे अच्छा काम के लिए हम लोग करेंगे। सर, एक विशेष रिक्वेस्ट होगा गुरु वासियों तरफ से, कोई सर नई ट्रेनों का यहाँ ठहराव दिया जाए सर, बहुत स्पेस की जो भी ट्रेनें हैं स्पेस जो है वो कम ना के मात्रा में। ठीक है, हम लोग इसकी रेलवे बोर्ड की बैठक में इस पर चर्चा करके इस दुराई के लिए कुछ स्पेशल ट्रेनों के विषय में चर्चा करके जो निर्णय होगा आप लोग को बताएंगे। क्या आप कल से दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं? जी, इस बीच में कहीं कोई खामियां मिली है स्टेशन पर यात्री सुविधा में? देखिए, खामियां तो ऐसे नहीं है, आप खामियां भी कुछ 10% होती है तो उसको छोटी मोटी होती है जो उसको सुधार किया जाता है, लेकिन विकास की किरण हाजीपुर जोन में पहुंची, इसके लिए मैं अपने रेल मंत्री को, रेल मंत्रालय के रेल के अधिकारियों को, प्रधानमंत्री को धन्यवाद दूंगा, जो पिछले 7 सालों में इस रेलवे का विकास का निर्माण हुआ है, चाहे हाजीपुर में अधिक से अधिक सुविधा मिली है यात्रियों के लिए, इस पर प्रधानमंत्री जी ने, बाकी जो छोटी मोटी समस्या थी त्वरित हम लोग ने निदान किया है, डीसीएम साहब, सीनियर डीसीएम साहब हैं, हमारे इंजीनियर साहब हैं, वो छोटी छोटी समस्याएं जो भी होती है तुरंत उसको हम लोग वहाँ पर निदान करके आगे में मिशन मोड में सारा काम आरंभ हो जाएगा। अभी आप आए हैं उसके बाद आपसे 2S जो लगा हुआ है, जनरल सीट में जो जाते हैं लोग आरक्षण करते हैं, और तत्काल अगर किसी को अगर जाना पड़ जाए तो बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है, वो आरक्षण कब हटेगी? देखिए, वो आपको सारा चीज पता है, कोविड में कम रश हो इसके लिए, लेकिन जो धीरे धीरे पुरानी व्यवस्था अभी फिर चालू हो जाएगी इसके लिए, और थोड़ा सा मुझे लगता है कि समय में 1-1.5 महीने के अंदर में सारी पुरानी व्यवस्था ये थर्ड लहर को देखते हुए, क्योंकि बैक आना बड़ा मुश्किल था, इसीलिए हमको संभावता है कि सारा चीज़ ठीक ठाक चल रहा है, हम लोगों ने देखा तो पुरानी व्यवस्था 1-1.5 महीने के अंदर सब ठीक रहेगा, समान स्थिति रहेगी तो हम लोग चालू करवाएंगे। अच्छा सर, ऑफलाइन टिकट अभी नहीं मिल रही है जिसके कारण भी बहुत सारी सारी चीज तो बंद थी ना कोरोना के कारण, कब तक स्टार्ट? बस अब देखते हैं, ये थर्ड लहर सब ठीक रहे तो हम लोग पुरानी व्यवस्था को हॉल्ट है, बीरापुर बेनी पट्टी जहाँ पे ना फुट ब्रिज ओवर ब्रिज है और प्लेटफॉर्म है, जिससे कि यात्री को परेशानी से ट्रेन से आप चलने में फुट ब्रिज चाहिए ना, अच्छा ठीक है, उस व्यवस्था को हम लोग देखते हैं, जो विषय हमारे पास हो चुका है उस विषय को हम लोग चर्चा करके जहाँ होगा उसका निराकरण करने के प्रयास हम लोग करेंगे। आप लोग आए हैं तो क्या उम्मीद किया जाए, क्या हम लोग यहाँ के लोग उम्मीद करें? उम्मीद पूरी है, रेलवे पूरा यात्रियों के लिए विकास का काम रेलवे कर रहा है, प्रधानमंत्री जी इस पर विशेष फोकस है रेलवे पर, जैसे अंतर्राष्ट्रीय कल एक रेलवे प्लेटफॉर्म भी भविष्य में भी देंगे, अभी आज़ादी के 75 वंदे भारत ट्रेन दिए, तोहफा दिए पूरे हिंदुस्तान को, तो ये तो चल ही रहा है, लाल किले की प्राचीर से माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंसमेंट किया कि, और वो काम मुझे लगता है 75 वंदे भारत का संचालन भी जल्द आरम्भ हो जाएगा, तो निरंतर विकास का किरण पहुंच रही है हाजीपुर गुराई जहां जहां भी छोटे छोटे क्षेत्रों में विकास की किरण पहुंचेगी, और मिलजुल के आप लोगों के साथ रेलवे का विकास, रेल मंत्रालय आप लोगों के साथ खड़ा है।